मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा। ये रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर्च ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा और हादसे में मरने वालों की संख्या 32 तक पहुंच चुकी है। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, पूरी रात यह ऑपरेशन चल रहा था, अभी भी जो सिचुएशन है उसके बारे में आपसे जानकारी हासिल करना चाहेंगे। 32 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल, रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा और मलबे में से शवों को, जिंदा लोगों को निकालने का सिलसिला भी जारी था। और जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिला है बीएमसी की ओर से, वो है 32 लोगों की मौत का। अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 45 लोग घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। और अभी भी माना जा रहा है कि कुछ लोग मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। मलबा हटाने का काम चल रहा है और उन्हें खोजे जाने का काम इस वक्त चल रहा है। जिन 32 लोगों की मौत हुई है उनमें 23 पुरुष हैं और उसके अलावा महिला और बच्चे भी हैं बाकी के। तो इस तरह से लगातार अभी भी वहां पर ऑपरेशन जारी है। इसमें कुछ फायर ब्रिगेड के और एनडीआरएफ के जवान भी घायल हुए हैं, उनका भी इलाज मुंबई के जेजे अस्पताल में ही चल रहा है। ये अस्पताल घटनास्थल से बस 100 मीटर के फासले पर ही है। जो भी घायलों को निकाला जा रहा है उन्हें अस्पताल में, जेजे अस्पताल ले जाकर वहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। और आज उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 घंटे के भीतर यहां से पूरा मलबा क्लियर हो जाएगा और जितने भी लोग भीतर दबे हुए होंगे उनको निकाल लिया जाएगा। जी, तो जितेंद्र, अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं, यानी कि 32 लोग घायल हुए हैं, 45 लोग आपने कहा अस्पताल में भर्ती हैं, 32 लोगों की मौत हुई है, 45 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं, कितनी ये संख्या हो सकती है? देखिए, इस बारे में जो है कम से कम 5 से 10 लोगों के बीच का आंकड़ा हो सकता है, जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं वहां पर दबे हो सकते हैं। खास करके जो निचली जो इमारत गिरी है उसकी निचली मंजिल पर एक मिठाई वाले का कारखाना था, जहां पर मिठाइयां वगैरह, पकवान वगैरह बनाए जाते थे। वहां पर किचन भी थी और उसमें कई सारे मजदूर काम करते थे। उनके दबे होने की आशंका है और उनको खोजे जाने का काम चल रहा है। ऊपर की तरफ फैमिलीज रहती थी, वहां पर 5 परिवार रहते थे, उनके ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। कईयों की मौत हो गई है, कईयों को जिंदा निकाला गया है, जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन जो नीचे की ओर जो मजदूर थे उनमें से कुछ को निकाला जाना अभी बाकी है। जी जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। तो बीएमसी की तरफ से भी जानकारी दी जा चुकी है कि 32 लोगों की मौत हुई है और ये तस्वीरें रात भर चल रहे सर्च ऑपरेशन की, अब से 2 से 3 घंटे में ये जो पूरा ऑपरेशन है ये खत्म हो जाएगा। अभी भी कुछ लोग अंदर दबे हो सकते हैं, उनकी संख्या 5 से 10 बताई जा रही है। मुंबई बिल्डिंग हादसे में मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ा है, 32 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, 45 लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है और कुछ लोग अभी भी दबे हो सकते हैं इस मलबे में, जिन्हें निकालने का काम रात भर चलता रहा और अभी भी जारी है। तो कल ये जो हादसा था ये मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में हुआ, लोगों के देखते ही देखते ढह गई हुसैनी बिल्डिंग। हुसैनी बिल्डिंग के मलबे में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, इनमें से 34 साल के इकबाल खान भी शामिल है। इकबाल खान के भाई अजीज ने बताया कि इकबाल इस इमारत में चलने वाली मिठाई की दुकान में मिठाई बनाने का काम करते हैं। कौन सा है आपका? मेरा सगा भाई है। क्या नाम? सेकंड नंबर का इकबाल खान। क्या करते थे यहाँ? यहाँ मिठाई वाले का नौकरी करते थे, तवक्कल स्वीट मिठाई वाले का, शेर का नाम मुझे था। कब से निकले हैं वो? सात 7:30 बजे आए थे, नाश्ता कर रहे थे, 3-4 बच्चे थे, उसमें से एक गेट के पास ही था, वो जैसा गिरते देखा वो निकल के भाग गया, उसका हाथ खाली टूटा, फ्रैक्चर है, और बाकी 3 लोग उसमें से अभी तक मिले नहीं। कौन कौन है आपके भाई के साथ में? मेरे भाई के फैमिली में 4 बच्चे, एक लड़की, 3 लड़का, छोटे हुए। क्या उम्मीद कर रहे हो? अब तो उम्मीद ऊपर ही वाले पे कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं, क्योंकि 16 घंटा हो गया फंसने के बाद, क्या उम्मीद कर सकते। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपनों को ढूंढ रहे हैं? आपने देखा कि मिठाई की दुकान थी वहां पर और कुछ लोग मिठाई बनाने का काम करते थे। हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित भी कह रहे थे कि वहां पर मिठाई बनाने का काम चल रहा था, अभी भी अंदर कुछ मजदूर दबे हो सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज़।
आपको रखे आगे।